फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी लाइन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री का नाम याद करने वाले हैं, साथ ही जो भी मुख्यमंत्री अभी हाल फिलहाल में चेंज हुए हैं उनका भी नाम शामिल है। तो चलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि अभी एग्जाम हो रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत चांस रहता है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री का नाम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री का नाम हो जाएगा आपका श्री नारा चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, श्री नारा चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, आंध्र प्रदेश का। वहीं नीचे अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा आपका पेमा खांडू। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा पेमा खांडू। फ्रेंड्स, मैंने मुख्यमंत्री से रिलेटेड बहुत सारे जो ट्रिक बना करके रखी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ भी आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी। अगला क्वेश्चन है आपका कि असम का मुख्यमंत्री कौन है। तो असम का मुख्यमंत्री आपका श्री सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, श्री सर्बानंद सोनोवाल। मैंने ये सभी का ट्रिक बना रखा है, आप देख सकते हैं। अगला है आपका बिहार का। तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा श्री नीतीश कुमार। ठीक है, बिहार का श्री नीतीश कुमार है, असम का है श्री सर्बानंद सोनोवाल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ का। ठीक है, छत्तीसगढ़ का हाल ही में चेंज हुआ है फ्रेंड्स, तो छत्तीसगढ़ का हो जाएगा आपका राइट आंसर भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ का कौन है, भूपेश बघेल। अगला आपका दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का है तो ये तो सभी को पता होगा, श्री अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली का। ठीक है, तो अभी जो मुख्य हो जाता है फ्रेंड्स, जो भी चेंज हुए हैं उनका नाम अधिक पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर अगला है गोवा का। ठीक है, गोवा का कौन है, तो गोवा का आपका श्री मनोहर पर्रिकर, ये पहले से ही है। ठीक है, गोवा का आपका श्री मनोहर पर्रिकर। फिर आपका गुजरात है, तो गुजरात का आपका विजय रूपाणी। गुजरात का कौन है मुख्यमंत्री, विजय रूपाणी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका यहाँ पे हरियाणा। ठीक है, हरियाणा का कौन है, तो हरियाणा का है आपका मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा का कौन है मुख्यमंत्री, मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का है फ्रेंड्स जयराम ठाकुर, ये भाजपा से हैं। ठीक है, जयराम ठाकुर है आपका हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो कि भाजपा से बिलोंग करते हैं। अगला आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में फ्रेंड्स अभी कोई भी जो है मुख्यमंत्री नहीं है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू है। ठीक है, और आगे आपका झारखंड। झारखंड का है मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास। ठीक है, झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, श्री रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री है। अगला देख लेते हैं, अगला आपका कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक, कर्नाटक का हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री एच डी कुमार स्वामी। ठीक है, एच डी कुमार स्वामी जो है आपका कर्नाटक का मुख्यमंत्री है। अगला आपका केरल। केरल का मुख्यमंत्री हो जाएगा आपका श्री पिनराई विजयन। ठीक है, श्री पिनराई विजयन जो है आपका केरल का हो जाएगा मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपका मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का भी फ्रेंड्स मुख्यमंत्री चेंज हो चुका है, तो ये याद रखें। ठीक है, मध्य प्रदेश का हो जाएगा आपका कमलनाथ। ठीक है, मध्य प्रदेश का हो जाएगा कमलनाथ मुख्यमंत्री। अगला आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का हो जाएगा श्री देवेंद्र फडणवीस, ये पहले से ही है। महाराष्ट्र का हो जाएगा देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, मध्य प्रदेश का हो जाएगा आपका कमलनाथ। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका मणिपुर का। ठीक है, मणिपुर का हो जाएगा आपका नोंगथोम्बम बीरेन सिंह, यानी कि एन बीरेन सिंह। मणिपुर का हो जाएगा आपका एन बीरेन सिंह। नेक्स्ट आपका मेघालय। मेघालय का हो जाएगा आपका कोनराड संगमा। मेघालय का कौन हो जाएगा, कोनराड संगमा। मैं घायल हो गया किससे, रॉड से। ठीक है, इस तरह से ट्रिक से याद करवाया हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो ट्रिक जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आगे आपका मिजोरम। ठीक है, मिजोरम का हो जाएगा आपका जोराम थंगा, यहाँ का भी चेंज हो चुका है, तो मिजोरम का हो जाएगा जोराम थंगा। यहाँ पे लास्ट में जोराम है फ्रेंड्स, यहाँ पे शुरू में आपका जोराम, तो इस तरह से आप आसानी से ट्रिक कर सकते हैं। तो मिजोरम का हो गया जोराम थंगा। अगला आपका नागालैंड। नागालैंड का हो जाएगा मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। ठीक है, नागालैंड का हो जाएगा आपका नेफ्यू रियो। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा का कौन है, नवीन पटनायक, ये पहले से ही है। उड़ीसा का कौन है, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री। अगला आपका पांडुचेरी। ठीक है, पांडुचेरी का है वी नारायण स्वामी, ये भी बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स क्वेश्चन एग्जाम में कि पांडुचेरी का जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ का जो मुख्यमंत्री हो जाएगा आपका वी नारायण स्वामी हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रखें। अगला आपका पंजाब। ठीक है, तो पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है, अमरिंदर सिंह। ठीक है, डॉक्टर अमरिंदर सिंह है पंजाब का मुख्यमंत्री, कैप्टन अमरिंदर सिंह। अगला आपका राजस्थान। राजस्थान का कौन है, तो ये भी चेंज हो गया है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका अशोक
गहलोत, ठीक है, राजस्थान का कौन है मुख्यमंत्री? अशोक गहलोत। अगला देख लेते हैं, अगला आपका सिक्किम, ठीक है, सिक्किम का कौन है? श्री पवन कुमार चामलिंग, ठीक है, सिक्किम का कौन है? श्री पवन कुमार चामलिंग। अगला आपका के पलानी स्वामी, तमिलनाडु का है के पलानी स्वामी, ठीक है, तमिलनाडु का हो जाएगा आपका के पलानी स्वामी, और सिक्किम का हो जाएगा श्री पवन कुमार चामलिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका तेलंगाना, नेक्स्ट क्या आपका तेलंगाना, तेलंगाना का जो मुख्यमंत्री है वो है श्री के चंद्रशेखर राव, ठीक है, यहाँ पर भी जो है ये दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं तेलंगाना का, श्री के चंद्रशेखर राव, ठीक है, ये दोबारा से जो है मुख्यमंत्री बने। अगला आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा का है विप्लव कुमार देव, ठीक है, त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन है? विप्लव कुमार देव। अगला देख लेते हैं, अगला आपका यूपी आता, आपका अगला यूपी, तो उत्तर प्रदेश का है श्री योगी आदित्यनाथ, ठीक है, श्री योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री है। अगला आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड का हो जाएगा त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है, उत्तराखंड का त्रिवेंद्र सिंह रावत। चलिए अगला नेक्स्ट अंतिम है फ्रेंड्स कि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन है, तो यह है ममता बनर्जी। तो इस तरह से मैंने आपको जो है सभी राज्यों का मुख्यमंत्री कवर करा दिया, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आरपीएफ का एग्ज़ाम हो रहा है, तो इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो भी क्वेश्चंस पूछने का संभावना है वो है जो भी चेंज हुए हैं मुख्यमंत्री उनसे पूछने का जो है अधिक चांस बनता है। तो इस वीडियो को आप एक दो बार देख लीजिए और सारा याद कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।